वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। काव्य रंग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर आनंद लीजिए भारतीय काव्य की महान कृतियों का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष भावसार स्वागत करता हूं आपका काव्य रंग पर। हर मंगलवार की तरह आज भी आप सुनेंगे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना रश्मिरथी। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है षष्ठ सर्ग का चौथा भाग। कविवर दिनकर ने इस भाग में कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। कवि के हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा है, क्या यही धर्म है जो कुरुक्षेत्र में चल रहा है, जहां एक और बड़े बड़े सुरमा कर्ण नामक काल से अपने प्राण बचाए फिर रहे हैं। वहीं कविवर ने धर्म के बारे में जो कुछ कहा वह चिंतनीय है। तो आइए शुरू करते हैं कविवर दिनकर की कलम से रश्मिरथी के सर्ग 6 भाग 4। है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती परपाती को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह यारण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या, बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पिणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्मासिक्त नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब भी जो आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही स्त्रदश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य हो उर्ध लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध उर्ध लोचन जानता नहीं क्या करता है, नीच पथ में है कौन पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म काट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वही जो निकला कैसे हो वह संयोग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंत सुगम शीतल। जब लोग सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब हम मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाग कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कपता था, मन ही मन जो निष्ठ देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुज्जर, थे विचर रहे पांडव दल में त्यो मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छल हुआ, राधे ये पांडवों के ऊपर दारुण अमर्ष से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजेय,
जा टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय संगठित या की 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हो या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान या महाकाल बन टूटा हो ऊपर ऊपर से कर्तमान परमाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रु दल खंड खंड जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नलसी ज्वाला प्रचंड दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहर से उठी हहर सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़ जन जन के जीवन पर कराल दुर्मत कृतांत जब कर्ण हुआ पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। इसी के साथ डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी के छठवें सर्ग का चौथा भाग समाप्त होता है और आने वाले भागों के लिए बने रहिए काव्यरंग के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।